टी यू जी 2022 के लिए स्पेशली मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, क्या इस बार मैथमेटिक्स सेक्शन में कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं। अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो लेटेस्ट सिलेबस क्या है। टी यू जी में स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन में जो भी सिलेबस या फिर जो भी क्वेश्चन पूछता है वो किस लेवल का होता है, 10th लेवल, 11th लेवल या फिर 12th लेवल। टी यू जी में मैथमेटिक्स में मार्किंग प्रोसेस कैसे होता है, उसमें टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिससे हम फॉलो करके यूट्यूब में स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन में कम पढ़ के कम टाइम पे भी टॉप स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई सीक्रेट तरीका है तो वो क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली यूट्यूब एस्पिरेंट हो, आप सभी को पता होगा यूट्यूब में सिलेक्शन पाना कितना हार्ड है और कितना टॉप है। इसीलिए यूट्यूब में जो भी चैप्टर्स है या फिर जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से एनालिसिस करना, उसको अच्छे से पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में कवर करूँगा यूट्यूब में जो भी मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस, मार्किंग प्रोसेस और लास्ट में बताऊँगा एक ऐसा ऑथेंटिक सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो आपको कोई नहीं बताऊँगा, जिसे आप फॉलो करके मैथमेटिक्स सेक्शन में फुल मार्क ला सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो वो क्या है, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप न करते हुए एंड तक देखना ताकि मैं जो भी बताऊंगा अच्छे से समझ में आ सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बताएं और कुछ फोकस बताने। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब में मैथमेटिक्स रिलेटेड जो कुछ भी डाउट है सब कुछ क्लियर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यूट्यूब का जो भी लेटेस्ट सिलेबस है जो कि 7th पर लागू होने के बाद सैलरी क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को अच्छे से देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वन बाय वन देख लेना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो। ओके, हाँ, एक पॉइंट बताना चाहूँगा, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। मैं चाहता हूँ मैंने जो गलती किया था जिस वजह से मुझे यूट्यूब में सिलेक्शन लेने के लिए 3 अटेम्प्ट देना पड़ा, मैं चाहता हूँ वो गलती आप मत करो। ओके, इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस बार यूट्यूब का जो मैथमेटिक्स सेक्शन में जो सिलेबस चेंजेस हुआ है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, इस बार सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अगर कोई भी एस्पिरेंट उस चेंजेस को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन इस ज़िंदगी में नहीं हो सकता। जो ट्रूथ है, जो डार्क ट्रूथ है, मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने जो गलती किया था। अगर आप चेंजेस को अच्छे से ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आता है, तब आपका 110% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, यूट्यूब का जो मैथमेटिक्स सेक्शन है, ओके, उसके लिए 11th लेवल अच्छा है, मतलब जो क्वेश्चन पूछता है 11th लेवल पूछता है या फिर 12th लेवल का होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, लगभग 60% सिलेबस होता है 11th लेवल का और 40% होता है 12th लेवल का। अगर कोई भी एस्पिरेंट 11th लेवल को अच्छे से कवर कर लगता है, तब उसका उल्ट में सिलेक्शन 110% हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 12th लेवल को आप इग्नोर करो, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओके, मुझे आशा है आपका सभी डाउट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग है यूट्यूब में या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, नहीं, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके लिए ये गोल्डन चांस है कि आपको क्वेश्चन आए या फिर ना आए, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सिलेक्शन हो सकेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है, सर यूट्यूब में जो मैथमेटिक्स का ऑप्शन होता है, ऑप्शनल होता है बायोलॉजी, मैं मैथमेटिक्स लूँ या फिर बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, मैं जो ऑथेंटिक बात है आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका मेमोरी पावर, दिमाग में याद रखने की बात अच्छा है, तब आप बायोलॉजी चूज करो, क्योंकि बायोलॉजी में भी टॉप स्कोर कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स से भी कंप्लीट मार्क ला सकते हो, जो आपका इजी लगे वो सिलेक्शन पा सकते हो। ओके, कैसे पा सकते हो मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनो। ओके, थर्ड पॉइंट है कि सिलेबस क्या है, जो बता रहा हूँ प्लीज नोट डाउन कर देना। फर्स्ट है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो बताना चाहूँगा, टोटल जो यूट्यूब का जो मैथमेटिक्स होता है,
17 चैप्टर या फिर 17 चैप्टर कवर करता है। ओके, थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिफ्थ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिक्स्थ है मैथमेटिकल इंडक्शन, सेवेंथ है इंटीग्रल कैलकुलस, एट्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन, नाइन्थ है बाइनोमियल थ्योरम, टेंथ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इलेवेंथ है सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्वेल्थ है 3D ज्योमेट्री, 13 है वेक्टर अलजेब्रा, 14 है स्टैटिस्टिक्स, 15 है प्रोबेबिलिटी, 16 है ट्रिग्नोमेट्री, 17 है मैथमेटिकल रीजनिंग। इतना टोटल चैप्टर होता है UGT में, स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन में, ये बात ध्यान में रखो। ओके, सेकंड की पॉइंट है जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन आए या फिर ना आए, आपको क्या करना है, अटेंड करना है। टोटल UGT में जो मैथमेटिक्स या फिर ऑप्शनल बायोलॉजी में 68 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को सही करके आ जाते हो तो अच्छा है, अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है तब भी अटेम्प्ट करके आ जाना। एक थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनो। 2017 में मेरा एक फ्रेंड था, उसका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं था और बायोलॉजी में इतना मेमोरी भी नहीं था, लेकिन उसने सभी क्वेश्चन करेक्ट करके मतलब आ गया था। उसका लक इतना अच्छा था, क्योंकि UGT में तो ये प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका सिलेक्शन हो गया। इसलिए जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, जो भी आता है या फिर नहीं आता है, आपको अटेम्प्ट करके आना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट है कि सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है जिसे पढ़ के हम टॉप कर सकते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेहनत करने के दो तरीका है, एक है स्मार्ट वर्क, दो है हार्ड वर्क। अगर आप 2023 के प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, और आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप हार्ड वर्क कर सकते हो। जो भी चैप्टर मैं आपको बता दिया उसे अच्छे से हर एक चैप्टर को कवर करो, डाटा एनालिसिस करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये लिख के ले लो। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास कम टाइम है, 2022 में एग्जाम है, मैं जो बता रहा हूँ स्मार्ट वर्क तरीके से काम करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जो मैं बताऊँगा अभी 4 या 5 चैप्टर उससे पढ़ देना है, आपका 110% वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। 68 से लगभग 57 क्वेश्चन वहाँ से आया। अगर कोई भी एस्पिरेंट UGT में मतलब अपेयर हो रहा है, 55 क्वेश्चन सही कर देता है, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ध्यान से सुनो। ओके, और सेकंड पॉइंट है, आपको क्या करना है, 2 या 3 साल का प्रीवियसर क्वेश्चन कलेक्ट करना है, जहाँ से वो कलेक्ट करो। अगर आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, नीचे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, इसीलिए आपको क्या करना है, नीचे कमेंट कर देना। और बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो क्या है, प्लीज़ नोट डाउन कर लो। फर्स्ट है मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट, यहाँ से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सेकंड है मैथमेटिकल इंडक्शन, थर्ड है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस से लगभग 7 क्वेश्चन आया था 2018 में, इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छे से करो, इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से करो। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री, इतना कवर कर लो, आपका 110% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, बस इतना कवर कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ओके, अगर आपके दिमाग में इतना सा डाउट है, नीचे कमेंट करना। अगर और कुछ वीडियो जानना चाहते हो, वीडियो के बारे में जानना चाहते हो, UGT के बारे में, नीचे कमेंट करना है, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।